प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब चर्चा में आए हुए जो भी गुरु भाई बहना है, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिवगुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में शिष्या बहना चर्चा कर रही थी। हर रविवार के उस गांव में चर्चा होता था, बड़ी दूर दूर से वहां चर्चा में आते थे। और एक भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर का पास एक पीपल का वृक्ष था, बेल का वृक्ष था, आम का वृक्ष था। उसी वृक्ष के छाव में सभी लोग, दीदी और गुरु भैया, गुरु बहना सब बैठते थे और चर्चा करते थे। गुरु भाई बहना सब चर्चा में खीर बनाते थे और प्रसादी के रूप में सब बांटते थे। गुरु भाई गुरु बहना जो थे, दूर दूर तक चर्चा में जाया करते थे। एक दिन का बात है कि चर्चा हो रहा था और स्वयं भगवान भोलेनाथ एक बूढ़ा रूप धारण करके और चर्चा में चले गए। जब चर्चा में चले गए तो भोलेनाथ इतना वृद्ध बन गए कि उनका पांव हाथ थर थर काँप रहा था। थर थर कांपते कांपते एक गुरु बहना पर गिर गए। चर्चा में जाते जाते एक गुरु बहना पे लड़खड़ा कर गिर गए बूढ़ा बाबा। गुरु बहना जो थी, बड़ी डांट के गुस्से में कहती है कि ए बुड्ढा, तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो क्यों चर्चा में खीर के लालच में आ रहे हो कि खीर मिलेगा? अरे एक तरफ बैठ जाता, मेरा शरीर पे गिर गया। गुरु भाई बहना, बाबा जो थे हाथ जोड़ के कहते हैं कि ए गुरु भाई बहना, मेरे तरफ से सबके प्रणाम, और जो मुझसे गलती हुआ वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन आप जो चर्चा करवा रहे हैं वही चर्चा करवाने को लिए हम यहाँ पर आए हैं सबको कहने, मेरे घर आपके चर्चा कर दीजिएगा। तो गुरु भाई बहना, बहुत सारा दीदी थे, बहुत सारा दीदी हाथ उठाए कि हाँ बाबा आपके यहाँ चर्चा कर देंगे। कहिया कर दीजिएगा गुरु बहना? तो बाबा जिस दिन आप तैयार रहिएगा वही दिन हम चर्चा आपके घर आके कर देंगे। ए गुरु बहना, तो कल ही के दिन ठीक रहेगा, कल ही आ जाइएगा मेरे घर चर्चा में। ए बाबा, आपको घर नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, कैसे आपके घर चर्चा में जाएंगे बाबा? ए गुरु बहना, हम लेने आ जाएंगे सबके। ठीक है बाबा, लेने आ जाइएगा। गुरु भाई बहना, जब सवेरा हुआ तो बड़ी मनी गुरु बहन कहते हैं कि ए गुरु बहन, वो बूढ़ा बाबा के नहीं हम चिन्हते हैं, नहीं जानते हैं, पता नहीं कौन जात हैं, हम कैसे उनको के यहाँ जाके शिव चर्चा करेंगे? गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर कुछ गुरु बहना कहते हैं कि ये हम हूँ नहीं जाएंगे, तो 100 को हाथ उठाए थे गुरु भाई बहना, तो 50 को कहते हैं हम जाएंगे। लेकिन जब बाबा बुलाने आए तो 50 गुरु बहना एक जगह तैयार हुए, लेकिन बाबा जब लेने आए गुरु बहना, तब बाबा के शरीर में जहां तहां जख्म था, तो उसमें 25 गुरु बहना कहते हैं कि
हम नहीं जाएंगे ये बूढ़ा की यहाँ चर्चा कराने। बाप रे, इसका शरीर में जख्म है, इसका छुआ हुआ कैसे खाएंगे, कैसे इसको कि यहाँ खाना बनता होगा, हम नहीं जाएंगे। तब 25 को बच्चे गुरु भाई बहना, जब बाबा ले जाने लगे, 25 गुरु बहना जाने लगे, तब बाबा के शरीर से रिम पीप गिर रहा था, गुरु भाई बहना टपक रहा था। तब कुछ गुरु बहना कहते हैं कि ए गुरु बहना, राम राम राम, छी 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 छी, ये बुढ़वा के यहाँ कैसे जाएंगे, राम राम, छी 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 छी, इसका पांव से तो इतना गंदा सब गिर रहा है, बदबू दे रहा है, हम नहीं जाएंगे। तब 15 को घूर गए गुरु भाई बहना, तब 10 को बचे, और जब 10 को बचे तो थोड़ा दूर जाते जाते कहते हैं कि ए गुरु बहना, बड़ी कस के हमको प्यास लग गया, हम कैसे जाएं, हम नहीं जाएंगे, हम एती से घूर जाएंगे। तब 5 को बचे, तब 5 में से 4 बूढ़ी थी गुरु भाई बहना, एक 12 साल की लड़की थी। वो 5 कहती है कि चाहे जहां रहे गुरु बाबा के घर, ये जो गुरु भैया हैं, बाबा बूढ़ा हैं, चाहे जे भी हैं, कुढ़िया हैं, लंगड़ा हैं, अंधरा हैं, हम इनको घर जाएंगे और चर्चा करवाएंगे, भजन करेंगे, कथा कहानी कर ही के हम चर्चा संपन्न करके आएंगे, क्यों ना हमको जाते जाते 4 दिन लग जाए। गुरु भाई बहना बाबा जा रहे हैं, पीछे से एक हनी भी जा रहे हैं, चलते 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 एक जंगल में पहुंच गए। जब जंगल में पहुंच गए गुरु बहना, तो एक हनी 5 के बड़ी जोर से प्यास लग गया। कहते हैं ये बाबा, आपको कितना दूर घर पड़ता है बाबा, बड़ी जोर से हमको प्यास लग गया। बाबा कहते हैं कि प्यास लग गया तो हाँ बाबा, एक चुरू पानी पी लेंगे बाबा, तो आपके यहाँ चर्चा करवा देंगे, कोई बात नहीं, आप खाना नहीं दीजिएगा कोई बात नहीं बाबा, लेकिन चर्चा करवा देंगे। बाबा कहते हैं अरे, उतना सारा सब थी तो सबको हम खाना बोले थे खिलाने के लिए, आ तुम लोग 5 को ऐसे खाना नहीं खिलाएंगे, खाना मेरा रेडी है सबके लिए, हम ऑर्डर देके गए हैं, प्यास लगा हुआ है तो देखो एक तालाब है, तालाब में पानी पूरा लबालब भरा होगा। गुरु भाई बहना जो 5 शिष्या बहना थी तालाब के पास गई, तो तालाब के पास गुरु भाई बहना इन लोग के दिखाई दिया कि 5 मुर्दा झका हुआ है, और 5 जब मुर्दा झका हुआ है गुरु भाई बहना, तो 5 शिष्या बहना दौड़ के भाग गई। 5 शिष्या बहना दौड़ते भागते गिरते पटकाते बाबा के पास आके कहती है कि है बाबा, हम हाथ जोड़ते हैं बाबा, हम गोड़ पड़ते हैं बाबा, हम भूखले प्यास ले चर्चा करेंगे, वो तलाई वाला पानी नहीं पिएंगे बाबा। बाबा कहते हैं कहाँ था, ए बाबा 5 मुर्दा के 5 धोती ओढ़ावल था बाबा, वो मुर्दा घाट है बाबा, हम नहीं पानी पिएंगे बाबा, हम भगवान के भक्त हैं बाबा, हम चर्चा भजन कर देंगे बाबा, चलिए अपना घर। बाबा कहते हैं कि अरे मुर्दा है झाकल, तो हाँ बाबा, अरे जाके देखो उसको, उघारो जाके एगो के उघार के देखो। तो गुरु भाई बहना बेचारी 5 गुरु बहना फिर से गई, और फिर से जाके डर ले गुरु भाई बहना बाबा के कह दिए कि कहना तो मानने हैं, अब आ गए हैं तो जो बाबा कहते हैं, बाबा का लीला, भगवान का, महादेव का लीला अपरंपार होता है, देखते हैं उघार के कौन मुर्दा है। तो एगो के धोती खींचे गुरु भाई बहना, तो जंगल में जितना झाल फलूस था से सब सफाई हो गया। अब सफाई हो गया तो गुरु बहना
चकित है कि अरे इसमें तो मुर्दा है ये नहीं है। दूसर का खींची गुरु भाई बना तो बाजार पसर गया। अब मिठाई दुकान कपड़ा दुकान सब बड़ी मनी तरह तरह के बाजार पसर गया। तीसरका के चादर खींचती है गुरु भाई बना तो सब बेचने वाला दुकानदार तैयार हो गए। सब मिठाई दुकान कपड़ा दुकान सोना चांदी के दुकान सब में मिठाई दुकान में सब में दुकानदार बैठ गए। चौथा जब खींचती है गुरु भाई बना तो सब जो थे बड़ी मनी लोग उठ के और कहते हैं कि गुरु बहना क्या खाना है खाइए, भूख लगा हुआ है पानी पीना है पी लीजिए गुरु बहना। अब कोई अनेक प्रकार के मेवा मिष्टंग लेके पांचों के पास आए गुरु भाई बहना, पांचों प्रेम से जी भर के खा ली। और जब पांचों खा ली तो कहती है कि इसमें का है इसको भी जरा उघार के देखते हैं। तो गुरु भाई बहना पांचवा चादर खींची जो लग रहा है कि मुर्दा है उसको खींची तो वह सब बाजार खत्म होकर गुरु भाई बना और वहाँ पर चर्चा भजन शुरू हो गया। बहुत सारा गुरु भैया गुरु बना वहाँ पर बैठ गए और भगवान का चर्चा भजन होने लगा। गुरु भाई बना पांचों तो चर्चा में मगन हो गई। कहते हैं गुरु भाई बना कि दुनिया के माया से दूर हो गए और भगवान के चरचवा में मगन हो गए। माता पिता दुनिया संसार को हम छोड़ गए और भगवान के तीन सूत्र ज्ञानमा को दिल में बसा गए। गुरु भाई बहना चर्चा में पांचों मगन हो गई। जब चर्चा संपन्न हुआ गुरु भाई बहना तो याद आया कि अरे चर्चा संपन्न हो गया हम कहाँ बैठ गए चर्चा में, बाबा लाए थे शाम भी हो गया उनको कि हाँ तो चर्चा हम करवे नहीं किए। ए गुरु बहना बाबा लाए बाबा कि हाँ चर्चावा हम लोग नहीं किए, चलिए बाबा कि हाँ चर्चा करते हैं। गुरु भाई बहना बाबा की यहाँ चर्चा जाके करने को लिए तैयार हो गई। बाबा से कहती है कि ए बाबा हम बहुत बड़ा गलती किए बाबा खाने पीने में और चर्चा भजन में उधर लग गए बाबा माफ कर दीजिए। बाबा जो थे गुरु भाई बहना वो बाबा नहीं रहे, बाबा का बहुत बड़ा जटा का पगड़ी और गले में शेष नाग का फन और हाथ में तिरछुल डबरू और कमर में मिर्गा छाला गुरु भाई बहना और पैर में चंदन खड़ा बगल में बस हा बैल बाबा विराट रूप में है खड़ी। पांचों जाके पाँव पर गिर के कहती है बाबा हमको माफ कर दीजिए क्षमा कर दीजिए बाबा हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया है आप बोले चर्चा करने को लिए। कहाँ चर्चा करे बाबा आप हमको दर्शन दे दिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अरे शिष्या तुम मेरा पांचों सच्चे शिष्या हो। वो तो आती थी और जाती थी चर्चा भजन करती थी उमंग करती थी लेकिन तुम लोग मेरा सच्चे शिष्या हो। जहां हम बुलाए वहां तुम बिना पहचाने आ गई और मेरे साथ आकर यहाँ पर जंगल में बैठकर चर्चा भजन कर ली। वही मेरा चर्चा था, वो तो चर्चा कोई और नहीं शिष्या वो तो मेरा ही चर्चा था तुम्हें दिखाने के लिए सब लगाए। गुरु भाई बहना बाबा कहते हैं कि मांगो कुछ वरदान मांगना है तो मांगो। चार गुरु बहना कहती है कि गुरु बाबा भगवान भोलेनाथ हम आपको दर्शन पा गए इससे बड़ा क्या वरदान हो सकता है आप मुझे दर्शन दिए। उतना शिष्य बहन के भीड़ में हम चर्चा करवा रहे थे कोई नहीं आपके पास पहुंच पाई, सिर्फ पांचे पहुंचे हैं
आपको दर्शन पाकर हम धन हो गए, मेरा जीवन धन हो गया। गुरु भाई बहना, एक जो कुमारी लड़की थी वो कहती है कि बाबा हमें कुछ मांगना है। क्या मांगती हो पुत्री? मांगो। बाबा हमको नहीं संसार में माता है और नहीं पिता है, नहीं भाई है नहीं बहन है, सिर्फ माया के बाजार में अपना जीवन लेकर बंधे हुए हैं। अपना चरण के दास बना लीजिए भगवान, मुझे मुक्ति दे दीजिए। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पुत्री तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगा और चरण में जगह अवश्य मिलेगा, घर जाओ। कहती है बाबा हम अब बड़ा हो चुके हैं, गांव का दो रोटी वो देते हैं, दो रोटी वो देते हैं, कभी उसके घर गोबर निकालते हैं बाबा, किसी घर बर्तन धोते हैं, किसी घर रसोई बनाते हैं और किसी घर झाड़ू लगाते हैं, तब मेरा पेट का प्रतिपाल होता है। बाबा मेरा जीवन ऐसा ही चलता रहेगा? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पुत्री चिंता मत करो, तुम्हारे दुख का निवारण हम हैं। जब दुख हम दिए हैं तो निवारण भी हम ही करेंगे, पुत्री जाओ। गुरु भाई बहना, पांचों शिष्या बहना कहती है कि बाबा सांझ हो गया अब घर जा रहे हैं। एक कदम निकाली गुरु भाई बहना तो उसे पता ही नहीं चला कि कब हम घर पहुंच गए, क्षण भर में अपना घर पहुंच गई। जब पांचों शिष्या बहना अपना घर पहुंची है तो गुरु भाई बहना चारों का तो महल अटारी हो गया। आई बेचारी जो कुमारी लड़कियां थी गुरु भाई बहना, उसके दरवाजा पर देखती है कि ढोल बाजा बद्दी बत्ती बारात और पूरे गांव का लोग मोहल्ला का लोग सब भरल हैं और इस शिष्या का खोज कर रहे हैं कि अरे कहाँ गई है, दूल्हा बारात लगा हुआ है, द्वार लगा हुआ है, बारात दरवाजा पर खड़ा है, कहाँ गई है। गुरु भाई बहना इसको देख कर पकड़ कर ले गए तो बेचारी दंग है, चकित है कि ये सब बाबा का लीला है, बाबा मेरे साथ क्या किए, मेरे भाग भविष्य जगा दिए, मुझे दुल्हन बनने का सौभाग्य दे दिए, आज हम दुल्हन बन के किसी का अर्धांगनी बन के और ससुराल चले जाएंगे। गुरु भाई बहना हलवाई अनेक प्रकार के लगा हुआ है, बरात का स्वागत करने को लिए अनेक प्रकार के लोग जुटे हुए हैं। लोग देख के चकित है कि ये लड़की के घर ये कौन करने वाला है जो इतना बड़ा बारात आ गया है, इसका ब्याह कौन तय किया, इतना बड़ा बारात कौन लाया। गुरु भाई बहना बेचारी अनाथ लड़की दुल्हन बन के और मंडप में बैठ गई भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती, स्वयं उसके घर जाकर कन्यादान उसको किए। स्वयं जाकर उसको कन्यादान करके गुरु भाई बहना और मैया पार्वती उसको माता बन के विदा कर दिए। बेचारी दुल्हन बन के ससुराल चली गई, ससुराल में अपना सुखीमय जीवन बिताने लगी। उनका घर में, उस लड़की का घर में कोई कमी नहीं, तो सच्चे शिष्या थी भगवान का, सिर्फ उसका भगवान का भरोसा था, भगवान के मन में बसा के रखी थी, अपना हृदय में छुपा के रखी थी। नाही ओ मेरा हलन भोला कोठवा अटारी, अरे नाही ओ मेरा हलन भोला कोठवा अटारी, नाही ओ में कैलन भोला कार के सवारी, नाही ओ में कैलन भोला कार के सवारी, दिलवा में छिपी बोला खोललन दुआरी, दिलवा में छिपी भोला
खोललन दुआरी, तीन सूत्र ज्ञान ले ली। जपली दिन राती, तीन सूत्र ज्ञान ले ली। जपली दिन राती, पहला सूत्र दाया मंगली, दूसरा सूत्र चार चार, तीसरा सूत्र 108 बार नाम शिव जपवा, जाप करी करली गुरु पर नाम, जाप करी करली गुरु पर नाम। तो प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, जो मन से हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान अपना दया बरसाते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो गुरु भाई बहना चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सकें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे, धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।